ऐसा आपकी तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें आप पुलिस के साथ बदतमीजी कर रहे थे, क्या वजह आखिर मास्क नहीं लगाने? गाड़ी में थे, मेरे को लगा कि हम वाइफ और हस्बैंड है तो बंद गाड़ी में, हमें लगा कि नहीं जुड़ता है वरना हम उतर के लगा ही लेते हैं, हमारे पास पड़ा हुआ था मास्क। आपने कुछ देर पहले मैडम को ब्लेम किया कि ये नहीं लगाती हैं ऐसा, वो क्या यही कह रही थी इनके फेस में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, अब लगता है कि मास्क लगाना जरूरी है सर, वो है ही जरूरी, मैं तो इसको बोलता ही हूँ जरूरी है। आप बताएं, अब लगता है कि मास्क लगाना जरूरी है? सर मास्क लगाना जरूरी है, मैंने मेरा कोई इंटेंशन नहीं था पुलिस से ऐसे बोलने का, लेकिन पता है क्या, मुझे भी सिर्फ ये लगता है कि बस मुझे घुटन होती है और मेरे को सांस आने में प्रॉब्लम होती है, साइनस को लो या अस्थमा कह लो, तो मुझे इतना जरूर लगता है कि जब अपनी गाड़ी में हो, बंद हो, अपने ही हस्बैंड के साथ हो, तो थोड़ा बस लॉजिक की तरह से मैंने इसको देखा। और फिर मैं वहाँ से आई थी पटेल नगर से, मुझे रास्ते में और भी पुलिस वाले मिले थे, तो उन्होंने किसी ने नहीं रोका, और हम उन्हें बोल देते हैं कि हमें प्रॉब्लम है, और उन्होंने बोला था भैया ने कि आपके पास वो नहीं था कर्फ्यू पास, तो कर्फ्यू पास इस वीकेंड के लिए था भी नहीं, मतलब इश्यू ही नहीं था। और मुझे सिर्फ इतना है कि मुझे प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा मास्क से, और मुझे ये मेरे दो तीन प्रॉब्लम है, एक तो मेरे को अस्थमा है, दूसरा मेरे को मेरे फेस पे एक्ने वल्गरीज हो गया था, तो उस पर अगर कोई जोर से मतलब रब करने वाली कोई भी चीज़ लगती है ना तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है। लेकिन अब इतनी जो कानूनी प्रक्रिया में फंसे हैं आप सर, कानूनी लगाना जरूरी है सर, मास्क तो ऐसी है कि बस अब आप पब्लिक प्लेस में हो तो लगा लो। आपका नाम भाई यादव सर, लेकिन पंकज।